तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली आमिर तलाल गोपांग ने दावा किया है कि हुकूमत के 30 से ज़्यादा MNA अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं या आने वाले चंद दिनों में वो इजहार कर देंगे। PTI हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में आमिर गोपांग ने सूरह यासीन पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्होंने किसी से ना एक रुपया लिया और ना ही उन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इस वक्त 30 से ज़्यादा अराकीन असम्बली ऐसे हैं जो अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं या आने वाले चंद दिनों में वो इजहार कर देंगे। तो मुझे ये बताएं कि पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत को वैसे मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। मेरे हाथ में इस वक्त सूरह यासीन है और मैं इस पर हाथ रख कर ये कसम दे रहा हूँ कि मैंने अदम एतमाद के सिलसिले में किसी बंदे से एक रुपया भी नहीं लिया और ना ही कोई इस किस्म की कोई ऑफ़र दी गई है। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, ये मैं हल्फन कह सकता हूँ कि किसी ऑनरेबल रुकन असम्बली ने किसी से कोई पैसे नहीं लिए।